हम एक दूसरे को कब से जानते हैं, क्यों जानते हैं, और फिर जो आप इस वक्त अजीज स्टील में क्या रोल अदा कर रहे हो, एंड वॉट एग्जैक्टली इज अजीज स्टील. वी स्टार्ट फ्रॉम देयर एंड देन वी गोइंग टू व्हाई नॉट टॉक अबाउट के हाउ अजीज स्टील इज ट्राइंग टू बिल्ड अ पावरफुल ब्रांड, बिकॉज एज वी अंडरस्टैंड के बिल्डिंग अ पावरफुल ब्रांड इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अ बिजनेस कैन डू इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स. तो उसमें क्या आपका क्या मंसूर लगता है, हाउ हाउ डिड वी गेट टुगेदर एंड कब से जानते हैं और क्या क्या करते रहे हैं? मैंने काफ़ी शोर लगाया. आई थिंक और अब कभी मैं बात सवाल डालने के बाद मुझे एकदम से एहसास हो रहा है कि मैंने बड़ा खतरनाक सा सवाल कर लिया. मैं भी ये ये सोच रहा था कि क्या कहूँ क्या ना थोड़ी कहूँ. सी फॉर्मल सेटिंग में बैठ के यस हमने एक मैडम बड़ा खतरनाक सा सवाल कर लिया. हाँ, आई थिंक हमें 22 साल, 22 से 23 साल तो हो गए. आई थिंक 2001 या 2002 से हम जानते हैं यूनिवर्सिटी से एक ये दूसरे चार को. पांच साल पुरानी बात नहीं थी? जी बस 4-5 साल ही चार हुए पांच साल हैं ही. वाह यार, इन मतलब डॉग यूनिवर्सिटी इन डॉग ईयर्स. डॉग, नॉट इवन डॉग ईयर्स. ठीक तो ठीक यस, इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम. द फैक्ट दैट वी आर ऑल्सो नेबर्स दैट हेल्प्स. तो यस, हमारे काफ़ी इंटरेस्ट भी अलाइन रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है, मार्केटिंग है. एक वो जो जिस टाइम पे हम यूनिवर्सिटी में थे, वो एक जो सेकेंड रिसर्जेंस थी डॉट कॉम्स की. सो कंप्यूटर साइंस एंड वेब डिज़ाइन एंड ऑल ऑफ दैट. सो जाहिर है कि वो सारे चीज़ें चलती रही हैं. सो इट्स दिस ऑलवेज बिन समथिंग न्यू. कभी आप आइडिया थ्रो करते रहे हैं, कभी मैं थ्रो करता रहा हूँ. सो इट्स ऑलवेज बिन आई वुड से डिस्कशंस हमारी जो भी हैं वो हमेशा आई मीन आइडिया आइडिया डिस्कशंस तो बेस्ड. या डिस्कशंस मतलब ऑफ कोर्स मतलब वो अगर उसका देखा जाए तो किसी की भी दोस्ती ऑल दो साउंड्स कॉर्नी टू टॉक अबाउट इट लाइक दिस बट दैट हैज़ अ लॉट टू डू विद द डिस्कशंस दैट अ पर्सन हैज़ मतलब वो कॉमन इंटरेस्ट वाली जो ब्रॉड बात होती है. लेकिन मुझे जो याद है डेर से अर्लीस्ट मेमोरीज में से जो चीज़ याद है कि वो आपके पास एक इलेक्ट्रिक गिटार गालिबन होता था तो वो मुझे उसकी लालच होती थी. तो फिर हमारी जो मैंने कहा ऐसे दोस्ती लगा ले फायदे सूदमंद रहेगी तो कॉलेज के ज़माने में. और अगेन ब्लडी हेल 2 डेकेड दैट्स वाकई अभी तूने कहा है तो अभी इट्स लाइक वो हो रहा है कि दैट्स अ लॉन्ग टाइम. और तो वो बट ऑल्सो आई थिंक इट्स वर्थ रिमाइंडिंग यू आपने उसको मेरे ख्याल से याद भी होगा. मैंने थोड़ा सा ये अपने ऑडियंस के साथ भी शेयर किया हुआ है कि मैंने एक ज़माने में ट्रायथलॉन भागी थी. हाँ हाँ यस और ट्रायथलॉन जब मैं भागी थी तो मेरे जो होस्ट थे दुबई में अबू धाबी में ट्रायथलॉन भागने गया था. वो कहानी मैंने कहीं और सुनाई भी है उसको मैं बता दूंगा आपको. लेकिन वो जो मेरे दुबई में होस्ट थे उस वक्त आप दुबई में थे मैं दुबई में था जी. और दैट काइंड ऑफ लूप्स बैक इंटरेस्टिंगली क्योंकि दुबई में आप इसी काम की वजह से जी बैठे हुए थे जी और इन्होंने मुझे होस्ट किया दुबई दिखाया और वही अपने टेक्निकल माइंड के साथ आपने मुझे एक समझाया कि ये ऐसे ऐसे जो है ना शेख हमसे हम पे मॉनिटर कर रहे हैं और यूं यूं वो उन्होंने चिप्स लगा दी हर तरफ. और वॉज अ ग्रेट टाइम. वो अच्छा वो ट्रायथलॉन भी मज़े की होगी आपके साथ गपशप भी अच्छी होगी अलहमदिल्ला ऑफ कोर्स एंड यू आर एज ऑलवेज अ गुड होस्ट. वो अभी तक याद किया जाता है माशाल्लाह से. अच्छा उसका जो आपने उधर भी कर दुबई में भी आपने इसी बिजनेस की एक्सपेंशन और मेरे ख्याल ये इस बिजनेस की थी कि देयर वर अदर प्रोजेक्ट्स इन लाइन एज वेल एट दैट टाइम क्योंकि हमारे एंटरप्रेन्योरशिप के लिहाज से तो काफ़ी पंगे करते रहे हैं. जी किरद के नाम से भी हमने एक पंगा लिया जी था. वी वर इनक्यूबेटेड इन लम्स इकट्ठे हम वहाँ पे थे. हाँ. लेकिन दुबई में अजीज स्टील के साथ क्या लिंक इफ यू सो रिफ्रेश माय उसको मेमोरी. उसको एक्सप्लेन करने के लिए फर्स्ट आई हैव टू एक्सप्लेन व्हाट अजीज स्टील इज. सो अजीज स्टील इज आवर ब्रांड ऑफ ग्रेड 60 स्टील बार्स, जिसको उर्फ आम में सरिया कहा जाता है. तो सरिये का हमारा काम है ये जो छतों में भी कि डलता है और गर्दनों में भी डलता हम छतों वाला है. बताते आप हैं. छतों अच्छा ठीक है ठीक गर्दन वाला भी मौजूद है. ठीक ओके तो गर्दन वाले के लिए आप इनसे रुजू कर सकते रिजू हैं. कर सकते हैं पठान ने सो पलाऊ. अच्छा ये हमारा बिजनेस है जो कि मेरे वालिद साहब ने 1984 में शुरू किया था. सो हम एटलीस्ट पाकिस्तान में और लाहौर में वी आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरर्स. सो जाहिर है सिंस 1984 आज तक दिस इट्स दिस ईयर बिन बिकम्स योर 40th ईयर. फोर्टीएथ ईयर या माशाल्लाह. वाह सो जाहिर है कि इट हैज़ बीन अ जर्नी.
एक काफ़ी छोटे लेवल से स्टार्ट करके, एंड ऑफ कोर्स उसमें फिर इनोवेशन होती रही है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होती रही है, प्रोडक्ट मिक्स चेंज होते रहे हैं, करते करते इवेंचुअली हम इस वक्त एज ऑफ नाउ हम ग्रेड 60 सरिया जो है बना सरिया रहे जो हैं। है वो बना रहे हैं। द जर्नी स्टार्टेड विद द सरिया एंड मेरे ख्याल में पीछे जो आपकी स्क्रीन भी लगी हुई है जी ये फैक्ट्री की जी इमेजेस हैं। फैक्ट्री के, फैक्ट्री इज इन लाहौर, वेयर इज इट? इट्स राइट आउटसाइड लाहौर, मुरीद के। सो प्रैक्टिकली अब तो मुरीद के भी लाहौर का पार्ट ही हाँ बन रहा है, बट इज़ राइट आउटसाइड लाहौर। सो नो, इट डिडेंट स्टार्ट विद सरिया। सरिया जिस चीज़ से बनता है, जो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, जिसको स्टील इंगट भी कहते हैं, स्टील बिलेट भी कहते हैं, सो दैट इज़ वेयर वी स्टार्टेड फ्रॉम। एंड फॉर यू नो आई वुड से 2 decades वी वर जस्ट ओनली इन दैट बिजनेस। उसके बाद 2001 में हमने फॉरवर्ड इंटीग्रेट किया, हम सरिया में आए, हमने 7-8 साल सरिया का बिजनेस किया। उसके बाद वी डिसाइडेड टू नहीं गो बैक एंड फोकस ऑन आवर कोर बिजनेस, विच वॉज द द स्टील सीमेंट बिलेट एंड स्टील इनगट्स। बिलेट वगैरह। जी अच्छा, इंटरेस्टिंग, ठीक है। सो 2010 ऑनवर्ड्स वी सॉर्ट ऑफ रोल बैक द सरिया बिजनेस एंड वी स्टार्टेड फोकसिंग मोर ऑन आवर कोर बिजनेस। और उसी के लिंकेज था जो मैं दुबई में मैंने बिजनेस सेटअप किया था, विच वॉज सॉर्ट ऑफ अ बाइंग हाउस फॉर आवर रॉ मटेरियल फॉर द बिलेट्स। या नाउ रिकॉल आया। ठीक है ठीक है, बिल्कुल। हाँ, हाँ सो वो हमने एक अपना जो फोकस जो है री दोबारा शिफ्ट किया था इनवर्ड, कि अपनी हमारी जो बिलेट की कैपेसिटी है, बिलेट की प्रोडक्शन है, उसमें हम मज़ीद बेहतरी लेके आए, बिकॉज द मार्केट वॉज बिकमिंग मोर क्वालिटी कॉन्शियस। सो उसके लिए इट स्टार्ट फ्रॉम योर रॉ मटेरियल्स, तो वो उसके लिए हमने एक फिर वहाँ पे अपना एक सॉर्ट ऑफ बाइंग सेटअप किया था। सो वहाँ से मैं अपना रॉ मटेरियल्स परचेज करता था और यहाँ पे बेचता था। सो वी डिड दैट, और वो उसी दौरान में आप वहाँ आए थे। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स अगेन थोड़ी बहुत हमने बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स की रियलाइनमेंट होती है, किसका टाइम कहाँ पे ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल हो सकता है, उस सारे एक्सरसाइज के बाद हमने ये सोचा कि नहीं, आई एम नीडेड हेयर मोर। तो उसके बाद से फिर मैं 2015 से मैं वापस पाकिस्तान में हूँ, अपने बिजनेस को देख रहा हूँ, और मेरा ज़्यादा फोकस जो है इन टर्म्स ऑफ यू नो व्हाट आई डू इन द बिजनेस, सो आई लुक आफ्टर द प्रोडक्शन, आई लुक आफ्टर द क्वालिटी, एंड आई लुक आफ्टर द मार्केटिंग। Is there anything left? यस, देर इज सेल्स, देर इज फाइनेंस, देर इज परचेज। यार, YouTube पे मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें तो बिजनेस बहुत आसान था कि आप बस ड्रॉप शिपिंग करें और करोड़ों कमाएं। ऐसी ऐसे आसान नहीं होता ये। इसमें तो आप बड़ी चीज़ें गिनवा दी आपने। आपने प्रोडक्शन गिनवा दी, आपने मार्केटिंग गिनवा दी, आपने ये वो चीज़ें सेल्स जो आप देख रहे हो, जी, प्रोडक्शन मार्केटिंग प्रोडक्शन ऑफ ये पीछे इतने कैमरे लगाने जी। पड़े हैं एक पूरी फैक्ट्री को चीज़ बनाने के लिए, क्वालिटी हाँ चीज़ बनाने के लिए, वो मतलब वो है ऑफ कोर्स। फिर मार्केटिंग, फाइनेंस ऑफ कोर्स जी, इज फाइनेंस है, द परचेज परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड एवरीथिंग एल्स, दैट इज़ अ कम्प्लीटली यू नो वो एक पूरा सेगमेंट और है, मैं उसको नहीं देखता हूँ। सो यस, ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस शायद आसानी से हो जाता हो, सरिया नहीं आसानी से बनता। नहीं, जो करने की कोशिश करते हैं ड्रॉप शिपिंग की, उनको बहुत जल्दी समझ आ जाती है कि उतना ही कम अज़ कम मुश्किल है जितना आम बिजनेस या कोई बिजनेस होता है। इंटरेस्टिंग। लेकिन आपका ये जो ग्रेड 60 जो कहते हैं सरिये का, अच्छा एक और बाय द वे, मैं भी पंगे जब ऑन्टरप्रनोरियल पंगे हम लेते रहे हैं, एकदम से याद आ गया मुझे टावर टावर। यार मैंने एक ज़माने में जनाब टेलीफोन, ये जो मोबाइल टावर जो होते हैं, यू फोन का टावर भी मैंने कंस्ट्रक्शन कंपनी छोटी सी खोल के फोर मैन रख के एक बनाया था। वो उम्मीद होगा मैंने काफ़ी अच्छे से देखा नहीं, लाहौर में धर्मपुर में वो अभी तक चल ही रहा होगा, चल ही रहा होगा, मैंने बनाया, चल ही रहा होगा, गिर गया होता तो कोई पहुंच सामान चुका आगे होगा होते बस, कोर्ट के। आ चुका होता, अल्लाह माफ़ करे। तो उसके लिए मुझे याद है कि आपसे मैंने जी सरिया भी खरीदा था। हाँ उस वक्त भी एक मतलब वंस यू गेट इनटू इट यू रियलाइज कि कितनी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो मुझे याद है कि उस वक्त बेस के लिए एक सर्टन ग्रेड का सरिया चाहिए था, बाहर के लिए एक सर्टन, वो ग्रेड्स का फर्क था। जी तो मुझे जो याद पड़ता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, दिस इज अगेन पता नहीं 10-15 साल पुरानी बात होगी ये ज़्यादा पुरानी हो, शायद, मतलब इसके मिड आसपास की मिड टू बात है, थाउजेंड्स की मिड बात टू होगी। थाउजेंड्स की बात है ये। तो उस वक्त भी जब आपसे मैंने सरिया लिया था, और मैंने अगेन इन्होंने मतलब मुझे डिलीवर कराया था सरिया, और उस वक्त भी वो मतलब क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस ऑफ अ मल्टी नेशनल टेलीकॉम कंपनी वो ऑफकोर्स क्लियर हो गया था। ग्रेड 40 होता है, ग्रेड 60 होता है, ये होते हैं क्या जी ग्रेड्स, क्या होते हैं सरियों सो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है अमेरिका का, में? जिसको हमारे यहाँ फॉलो किया जाता है। स्टैंडर्ड्स ब्रिटिश भी हैं, चाइनीज़ भी हैं, जापानीज़ भी हैं, अमेरिकन भी हैं,
लेकिन सबसे पॉपुलर जो है ओवरऑल वो एक अमेरिकन स्टैंडर्ड है, अमेरिका की एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरह पाकिस्तान में PCSIR है उस तरह वहाँ पे ASTM है, PCSIR क्या होती है बाय द वे, जो पाकिस्तान में है? सॉरी PCSIR नहीं है, PSQC है, पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल एसोसिएशन ओके, अथॉरिटी, ऐसी कोई चीज़ है पाकिस्तान में पाकिस्तान में जहाँ वो PSQC है स्टैंडर्ड और क्वालिटीज़ देखती है, जी, वहाँ पे वो लोग काम करते हैं, मतलब उनको तनख्वाहें मिलती हैं। जी वो स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी के पैरामीटर्स को डिफाइन करते हैं, एंड देन यू नो एवरी इंडस्ट्री एवरी प्रोडक्ट हैज़ टू फॉलो देम। सो इसी तरह जो अमेरिकन स्टैंडर्ड की ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है ASTM, उनका एक स्टैंडर्ड है सरिया के लिए, उसमें डिफरेंट क्वालिटी के सॉर्ट ऑफ लेवल्स हैं। सो एक लेवल है उसको ग्रेड 40 कहते हैं, उससे अगला लेवल है जिसको ग्रेड 60 कहते हैं, और दोनों ग्रेड्स के फिर अपने अपने पैरामीटर्स हैं कि मिनिमम उसमें स्ट्रेंथ के और दूसरे पैरामीटर्स जो हैं उनके मिनिमम परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स क्या हैं। अगर आप उस बेंचमार्क को हिट करते हैं तो देन यू कैन कॉल योर प्रोडक्ट ग्रेड 40 और ग्रेड 60 और वट एवर इट मे बी। सो सबसे कॉमन जो यूज़ होता है ग्रेड वो ग्रेड 60 है। बैक इन द डे जिस टाइम के आप बात कर रहे हैं, जब आपने टावर के लिए सरिया लिया था उस टाइम पे ग्रेड 60 बहुत कम लोग लेते थे, अवेयरनेस नहीं थी, रवाज नहीं था, पाकिस्तान में बड़ी कंस्ट्रक्शन नहीं होती थी, 3-4-5 मंजिला बिल्डिंग से ऊपर लाहौर में बिल्डिंग ही कोई नहीं बनती थी। वो चीज़ें बदल गई हैं, बड़ी कंस्ट्रक्शन होनी शुरू हो गई हैं, 2005 का जो अनफॉर्चुनेट एक जलजिला था उसने काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट की कि बोथ इन द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अच्छी होनी जी चाहिए और चीज़ मटेरियल जी क्या होना गवर्नमेंट सेक्टर चाहिए। में भी प्राइवेट सेक्टर में भी, उसमें काफ़ी जो हैं चीज़ें लोगों को समझ आई, उससे गवर्नमेंट में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी लोगों ने स्टैंडर्ड्स डेवलप किए। अब आप DHA में बहरिया में कहीं भी अगर आप घर बनाना चाहें तो लेड डाउन उनकी पॉलिसीज़ हैं DHA की बहरिया की कि आपका सरिया कितना लगना चाहिए, किस क्वालिटी का लगना अच्छा, वो चाहिए। और क्वांटिटी भी बताते हैं एंड जी क्वालिटी, और जी क्वालिटी फिर ये ग्रेड 60 जी सो इन्वॉल्व होता है। वो इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से उन्होंने स्टैंडर्ड्स अब डेवलप किए हैं कि अब आप वैसे ही एक कच्ची सी इमारत नहीं खड़ी कर सकते DHA में या बहरिया में, या LDA के भी स्टैंडर्ड्स हैं वगैरह वगैरह। तो वो ओवर द पास्ट 15 ईयर्स और सो 15-20 ईयर्स ये चीज़ें काफ़ी पाकिस्तान में नॉलेज बेस इंप्रूव हुआ है, अवेयरनेस आई है, पॉलिसीज़ इंप्रूव हुई हैं। सो अब ये है कि ग्रेड 60 इज़ दी स्टैंडर्ड इन द मार्केट, ग्रेड 40 अब समझें कि आप रूरल इलाकों में रह गया है, छोटे शहरों में रह गया है। मतलब उसकी ठीक है। तो वैसे ये ग्रेड्स क्या, मतलब सरिये का जब ग्रेड 60 और 40 में इनहेरेंटली प्रोसेस के अंदर क्या फ़र्क, मतलब प्रोडक्ट में क्या फ़र्क होता है? इस मतलब हाउ कैन अ सरिया, तो मतलब देखने में तो वो सरिया ही लगता है जी ना, तो क्या मतलब लोहा लोहा है जी लेकिन आई गेस इट्स नॉट, क्योंकि ग्रेड 40 और ग्रेड 60 है, तो इनमें जी क्या क्वालिटेटिव फ़र्क होगा? ठीक है। सो देखें, कोई भी मटेरियल है उस मटेरियल के सर्टेन क्वालिटीज़ होंगी, और कोई भी मटेरियल ऐसा नहीं होता जो फेल ना हो, हर चीज़ टूट सकती है, फेयर इनफ। ठीक है। हाँ, तो टूटने से तो आप उसको सवाई नहीं रोक पठान के सकते दिल के। हाँ ठीक अच्छा, लेकिन उसका सरिया नहीं बनता। उसका वो गर्दन में जरिया और दिल पठान, ठीक है चौके। सो कोई भी हाँ मटेरियल हो हाँ उसने कहीं ना कहीं जाके फेल होना, जितनी मजबूत से मजबूत आप चीज़ बना लें वो इवेंचुअली फेल होती है। सो इसी तरह जब आप सरिया डालते हैं किसी बिल्डिंग में उसको रीइन्फोर्स करने के लिए, तो उससे आपको दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक आपको चाहिए होती है लचक, क्योंकि सरिया लगता है कंक्रीट के साथ मिलकर, कंक्रीट एक पत्थर है उसमें लचक नहीं है, वो जैसे ही उसके ऊपर झटका पड़ता है या उस जलजला आता है तो कंक्रीट टूट जाता है, ब्रिटल जिसे हम वो कहते हैं। ब्रिटल होता है तो वो टूट सकता है। उसके अंदर जब आप सरिया डालते हैं तो वो सरिया उसको एक लचक देता है, ओके, राइट। नाइस बात, सो ठीक है। एक मिनिमम लचक के पैरामीटर्स हैं कि अच्छा, मेरे एक जहन में ये था कि वो जो नेट बिछाते हैं सरिए का और उसके ऊपर फिर पोरिंग करते हैं जी कंक्रीट की, तो आई ऑलवेज हैड माई माइंड, मेरे जो मेंटल पिक्चर बनती थी कि दिस इज़ टू इवन स्टेबल, मतलब उसको और स्टेबल रखने के लिए, कि सॉलिड रखने के लिए, नहीं लेकिन आई गेस वो सॉलिड रखा जाता है बाय गिविंग इट अ लिटिल बिट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, जी ऐसे जी इसकी बनेगी बिल्कुल ना? ऐसे ही। ओके ओके सो एक तो चीज़ है कि आपके अगर एक कंक्रीट की स्लैब है तो वो झटके से फौरन टूट ना जाए, उसमें अगर सरिया होगा तो वो उसके अंदर थोड़ी लचक रखेगा, लचक की वजह से सॉलो। लचक ओके, की सो यू वजह नीड टू से, बी वरना लिटिल वो बिट ऑफ फौरन टूट फ्लेक्सिबल, जाएगा, वो बिस्किट की तरह टूट जाएगा। यू नीड टू बी लिटिल बिट ऑफ फ्लेक्सिबल टू बी मोर सॉलिड। यस दैट्स काउंटर इंट्यूटिव और लाइफ लेसन, मतलब ये दैट्स इंटरेस्टिंग। ओके और वो ये है कि जब उसमें सरिया होता है तो वो एक सर्टन हद तक
बेंड होता है, और उसके बाद जब उसके ऊपर जो भी स्ट्रेस पड़ रहा है, चाहे वो वजन पड़ा है, चाहे वो जलजला है, तो उसके जब वो ख़त्म होता है तो वापस अपनी जगह पे आ जाता है। ठीक है एक ठीक है। या हाँ दूसरा पैरामीटर ये होता है कि अच्छा, अगर लोड पड़ रहा है पड़ रहा है पड़ रहा है पड़ रहा है पड़ रहा है, इवेंचुअली उसने जाके जब वो उसकी कैपेसिटी से, लोहे की कैपेसिटी से वो लोड बढ़ जाएगा तो वो टूट जाएगा, विच इज़ फाइन, उसने टूट जाना है। लेकिन वो कहाँ जाके टूटे, ओके कि वो कितना नीचे जाके फिर टूटे, वो उसका भी एक मिनिमम बेंचमार्क है, अच्छा, ओके उससे कम नहीं होना चाहिए। ओके ओके ठीक है ठीक है। ठीक है। सो आपके सरिये के यही पैरामीटर है कि जब आप सरिये के ऊपर वजन डालते हैं, सरिया बेंड होता है, बेंड होते हो, या अगर आप इसको पकड़ के खींचते हैं, तो कितने पावर या कितनी उसके फोर्स ऊपर चाहिए लोड टू, फोर्स चाहिए हाँ होगी कि टू जिसको वो बर्दाश्त करे और टूटे ना, डिफॉर्म हो जाए, टेढ़ा हो जाए, टूटे ना, बिकॉज जिधर टूटेगा उधर छत गिर जाएगी। या लेकिन टेढ़ा होके रुक जाएगा तो छत गिरेगी नहीं, गिरेगी नहीं। तो ये क्वालिटी पैरामीटर्स होते हैं सरिया के डिफरेंट ग्रेड्स के। ग्रेड 40 कम लोड पे फेल हो जाता है, उसके ऊपर आप हाई लोड की बिल्डिंग नहीं बना सकते, उस पर आप 2 मंजिला घर बना सकते हैं, उस पर आप 10 मंजिला प्लाजा नहीं बना सकते, उससे आप ब्रिज नहीं बना सकते, उससे आप डैम नहीं बना सकते, बिकॉज वहाँ पे हाई लोड होते हैं। जहाँ पे हाई लोड है वहाँ पे आपको ऐसा सरिया चाहिए जो ज़्यादा लोड बर्दाश्त करे। कभी आप नेक्स्ट टाइम आपका कभी जीटी रोड पे चक्कर लगे, तो रावी का ब्रिज या चनाब का ब्रिज, कोई भी ऐसा बड़ा ब्रिज, उस पर ज़रा गाड़ी रोक के 2 मिनट के लिए खड़े हुए, जब आप खड़े होंगे तो आपको फील होगा कि ब्रिज मुसलसल ऐसे 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 हो रहा होता, वो बाकायदा फील होता है, क्योंकि जैसे ऊपर से गाड़ियाँ गुजरती हैं, ऊपर हल्के से से एक, हाँ 30-40 टन का जब ट्रक गुजरता है तो वो ब्रिज हिलता है। जब उसको पानी की लहर पड़ती है या जब उधर आंधी चलती है तो ब्रिज हिलता है, और वो हिल के फिर वापस अपनी जगह और पर वो आता है। बेसिक जो उसकी वो स्ट्रेंथ गिविंग उसकी एक जो फोर्स है वो सरिए की बेसिकली जी वजह से आ जाती है कि वो जी कि वो उसमें वो प्रॉपर। फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करता है। आपने शायद बचपन में कहानी भी पढ़ी हो जिसमें एक बरगद का दरख्त था और नीचे घास था, और वो घास, बरगद का दरख्त क्या था कहता, कि वो आंधी आई, एक दरख्त गिर गया, दरख्त गिर गया लेकिन लेकिन वो जो घास, घास थे वो बेंड हुई थी, और जब आंधी हाँ ख़त्म हुई तो फिर वापस सीधी हो गई। सो जो झुकते नहीं वो टूट जाते टूट हैं। जाते हैं, टूटे फूटे पड़े होते हैं हर तरफ। सो मेनी लिहाजा थैंक्स। सरिये का जो रोल है कंस्ट्रक्शन में वो ये है कि वो आपका जो कंक्रीट है उसको रीइंफोर्स करता है, और उसको वो एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है ताकि वो फौरी तौर पे फेल ना हो, जैसे ही उसके ऊपर फोर्स पड़े वो फोर्स को बर्दाश्त करे, लेटरल फोर्सेस हैं उनको बर्दाश्त करे। तो ये इसका रोल होता है। और इसमें इसके जो पैरामीटर्स हैं कि ये कितनी फोर्स पे जाके जाके ये मटेरियल फेल हो, वो पैरामीटर जो हैं वो डिफाइन करते हैं कि जी ये ग्रेड 40 है, ये ग्रेड 60 है, ओके ओके और ये फलाना ग्रेड है। फेयर इनफ। अच्छा, इसमें ये जो आपका ये ब्रोशर भी पड़ा हुआ है बड़े मज़े के, क्योंकि आपका एक आर्टिस्टिक माइंडसेट भी है, तो आपने बड़े फंकी तरीके से ना चीज़ें, तेरी खैर, दिस इज एक्चुअली हैप्पियर देन आई थॉट। ओके ये जो फाउंडेशंस फॉर द फ्यूचर जी आपने लिखा हुआ है, मैं इसको रख दूँ, ये अच्छा खासा भारी है। ये क्या है, दिस इज क्या, कॉर्पोरेट स्पीक, फाउंडेशंस फॉर द फ्यूचर, मतलब इधर सरिया क्यों नहीं लिखा, या अजीज स्टील बेस्ट सरिया इन पाकिस्तान, ग्रेड 60 सरिया, फाउंडेशंस फॉर द फ्यूचर, व्हाट व्हाई डू यू इवन राइट दैट? मतलब ऑफ कोर्स ये कॉर्पोरेट स्पीक और ये सारी कहानी, मतलब आई कैन आस्क यू दिस क्वेश्चन कंफर्टेबली, सो आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन कि व्हाई डिड यू राइट दैट, जस्ट स्टार्ट फ्रॉम देयर, फाउंडेशंस फॉर द फ्यूचर। अजीज स्टील, हाउ इज इट, क्या मतलब, ये क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप फाउंडेशंस फॉर द फ्यूचर लिख के? आई थिंक द आइडिया वॉज कि आप थोड़ा सा इस बात को एक्सपाउंड करके लोगों को बता सकें कि आप जो एक सरिया ख़रीद रहे हैं और सरिया लगा रहे हैं, इट्स नॉट जस्ट अ प्रोडक्ट, आप एक बेस बना रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए। आप, कोई इंसान भी जब सरिया इस्तेमाल करता है किसी ना किसी कंस्ट्रक्शन में, तो वो कंस्ट्रक्शन को 1 दिन या 2 दिन या 10 दिन या 1 महीने के लिए वो स्ट्रक्चर नहीं इस्तेमाल होता। वो स्ट्रक्चर फिर अगर आपका घर है, आपका दफ्तर है, आपकी बिल्डिंग है, आपकी फैक्ट्री है, कोई भी चीज़ है, वो आगे सालों पे 10 साल, 20 साल, 50 साल इस्तेमाल होनी होती है, राइट? सो ये आई थिंक जहन में था कि आपकी एक जो एक बोरिंग प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट है जो लग के छुप जाती है, कभी नज़र नहीं आती, आप उसकी इम्पोर्टेंस को कैसे आप हाईलाइट कर सकते हैं कि ये क्यों ज़रूरी है, स्पेशली उस टाइम पे जब
अवेयरनेस नहीं थी कि ग्रेड 40 क्या होता है और ग्रेड 60 क्या होता है. तो लोगों को समझाना कि भाई आप बेहतर सरिया क्यों लगाएं, उसके ऊपर थोड़े से हाँ, ज़्यादा पैसे क्यों खर्च करें. क्यों का जवाब एक तरह से। जी, कि आपके आपकी जो भी कंस्ट्रक्शन है उसमें बेहतर सरिया जिसके ऊपर आपको थोड़े से ज़्यादा पैसे तो खर्च करने पड़ जाएं, लेकिन उसका बेनिफिट क्या है. उसका बेनिफिट आपके आने वाले बहुत सारे सालों में है कि आपका जो भी फ्यूचर इस घर में गुजरना है, इस दफ्तर में गुजरना है, आपके फैमिली का आगे फ्यूचर इसमें गुजरना है, उसके लिए एक अच्छा, स्ट्रॉन्गर वैसे फाउंडेशन है. एज अ स्टूडेंट ऑफ मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग माई सेल्फ, ये चीज़ समझने में भी थोड़ा टाइम लगता है, और ये समझाते हुए लोगों को देखते हुए और ये गलती करते हुए भी नज़र आता है तो दुख होता है, और फिर उनको भी जब बताते हैं तो दे लाइक के हाँ दैट मेक सेंस, लेकिन पहले नहीं करते। कि नॉर्मली बिजनेसेस अपने नाम के साथ उस प्रोडक्ट का लिखेंगे, मेन उनका जो पुश होगा वो होगा कि यार मिसाल के तौर पे कोई अगर डायरी बेच रहा है ना तो वो कहेगा जी डायरी है, 100 सफ़े हैं, 80 ग्राम्स का पेपर लगा हुआ है, और जी ये हमारा मैट ब्लैक में फिनिश है, और ये डायरी है, ये साइज़ है A5 जो भी। तो ये उसने मुझे उसका एक फंक्शनल जी एस्पेक्ट बता दिया, जो कि एक प्रोडक्ट का एज अ बायर अगर मैं डायरी खरीद रहा हूँ या मैं सरिया खरीद रहा हूँ तो मेरे लिए जानना जरूरी है कि डायरी जो है उसका साइज़ क्या है और वो सारा कुछ, और सरिया है तो ग्रेड क्या है वगैरह वगैरह। लेकिन अगर एक और एंगल से देखें तो अगर मुझे ये डायरी को ये करके कहे कि यार आर यू कैटलॉगिंग योर लाइफ, आर यू जर्नलिंग डेली, क्या आप अपनी ज़िंदगी के जो अच्छी से अच्छी सोच आती है वो कहाँ लिखेंगे, फ़ोन अगर ना हो, या उसके लिखने के लिए एक डायरी आपके पास होनी चाहिए, या तो वो एकदम से उसका मेरी ज़िंदगी में क्या इमीडिएट रोल जी होगा और वो क्या मेरे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, उस तरह मेरा जहन चला जाता है। तो फिर मेरे लिए बाइंग डिसीजन बिकम्स ईजी, और उस लिहाज से अगर आप देखें तो ये उसी तरफ इशारा कर रहा है कि जी आपका मतलब सरिया सबने लगाना है, घर सीमेंट वगैरह सब कुछ करना है, बट अगेन माई कंसर्न विद पुटिंग सरिया इन, अगर वही मैं बात करूँ तो अगर मैं बिल्कुल इमीडिएट बात करूँ कि यार अगर मैं अपने अगर हिसाब से देखूँ तो भाई मैंने तो सरिया ऐसे लगाया था कि उन्होंने स्पेसिफिकेशन लिखी हुई थी, ठीक है, लेकिन उन्होंने स्पेसिफिकेशन क्यों लिखी हुई थी, हम्म. वो उन्होंने इसलिए लिखी हुई थी कि उनको फ्यूचर अजीज था अपना, ठीक है ना, अजीज टीम से फ्यूचर अजीज था, क्या बात है, शायराना मिजाज चल रहा है, ठीक है, तो वो उनको फ्यूचर अजीज था अपना, ये लाइन आप कॉपी कर सकते, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपनी फाउंडेशन को पक्का करना, तो दैट इज वाई दैट प्रोडक्ट वॉज स्पेसिफाइड, दैट ग्रेड वॉज स्पेसिफाइड। जी. तो और मैं जब MBA करूंगा तो तब मैं एक दफ़ा मैं एक अपनी मार्केटिंग की किताब में पढ़ूंगा कि प्रोडक्ट्स को आप डिफाइन कर सकते हैं, कि कुछ नहीं लो इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट्स होती हैं, कुछ नहीं नहीं ये हाई. जब MBA आप करेंगे, असल में मैंने ना ये रिकॉर्डिंग बटन दबाने से पहले, 1 मिनट ये मैं चेक भी कर रहा हूँ कि ये रिकॉर्डिंग भी देखना साथ साथ, बोला पता तो मुझे को नहीं पड़ी, ठीक है, वी आर ऑन मिनट 24, दैट्स फेयर, मिनट 24 पे। अच्छा, नहीं जो आपने अभी ये बात की है कि आप MBA अगर जब करेंगे, असल में मैंने ये रिकॉर्ड का बटन दबाने से पहले भी सोचा था कि ये जो हमारा इनसाइड जोक है ये मैं कराना तो था मैंने बीच में, जो आपने खुद करा दिया एंटिसिपेट करते हुए, लेकिन मुझे था कि ये मैं समझाऊंगा कैसे इधर के, ये क्या जोक क्या है ये, मतलब ये मुझे खुद समझ नहीं आता है ये जोक, मज़े का है, बहुत दफ़ा हुआ है, लेकिन वो कहते हैं ना इनसाइड जोक अगर आप समझाने लग जाए तो अगला कहता है यार मतलब वैसी जोक, अगर आप इफ यू हैव टू एक्सप्लेन द जोक इज नॉट अ जोक एनी मोर, तो समझाना इनसाइड जोक थोड़ा सा, क्या है ये MBA आप कर ही लेते अगर तो आपको पता होता ही मेरा ख्याल है है जब मैं MBA कर लूंगा ना फिर बताएंगे. ये जोक बताओ समझाएंगे नहीं, ये मैं आपको बता देता हूँ कि इन्होंने MBA कर चुके हुए हैं माशाल्लाह से, लम से कर चुके हुए हैं, और ये उनकी ही जुगत का बीच में से कोई नतीजा है, जो कि मैं इनको अब यही कहता हूँ कि इनको MBA, बल्कि अब मैं नहीं कहता, ये माशाल्लाह से खुद कहने लगे हैं कि मैं जब MBA कर लूँगा तो मुझे पता चलेगा, लेकिन आप लम्स MBA की कौन सी क्लास है सर आपकी, 2006. 2006 ग्रेजुएटिंग MBA लम्स से, ठीक है ठीक है, तो सो मैं कह अच्छा रहा था कि कुछ प्रोडक्ट्स हाँ होती हैं जो कि हाई इन्वॉल्वमेंट होती हैं, जिसमें जो डिसीजन मेकर है या कस्टमर या कंज्यूमर है वो हाईली इन्वॉल्व होता है. जैसे आप जब जैकेट लेने जाते हैं तो आप हाईली इन्वॉल्व होते हैं, आप हाथ लगा के देखते हैं, आप पहन के देखते हैं, आप साइज़ देखते हैं, शीशे में देखते हैं, और मैं कैसा लग रहा हूँ कैसा नहीं. या जो को तोहफा देता है वो कबूल कर लेते हैं और बस पहनना शुरू कर लेते हैं।
वर्सेस कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जो लो इन्वॉल्वमेंट होती हैं, जैसे सरिया है क्या, हाँ ठीक है बस सस्ता है तो ठीक है ले लिया है, या ईंट है लो इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट है, एक थ्रो अवे से आपके जो बॉल पॉइंट पेन होते हैं वो एक लो इन्वॉल्वमेंट होते हैं, हाँ यार बस चलती का नाम गाड़ी, जो चीज़ हाँ चलती है बस ले हाँ लिया, हाँ बहुत फंक्शनल होते हैं आप, ठीक है। फंक्शन होते हैं, ठीक है। सो आई थिंक ये जो लाइन है ये उस लो इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट को थोड़ा हाई इन्वॉल्वमेंट बनाने की भी एक कोशिश है, जैसे आपने खुद ही अभी पॉइंट आउट किया, मैं उसी बात को एक दूसरे एंगल से कर रहा हूँ कि सरिया आपकी ज़िंदगी में उसका क्या लिंक है, क्या बेनिफिट है, उसको हमने थोड़ा सा हाईलाइट करने की और लोगों को सरिये ओह के साथ नाइस, इन्वॉल्व करने की कोशिश की है। बिकॉज यू राइट, सरिया तो मतलब अगर मैं उस तरह देखूं कि अगर घर बनवाना है तो आप ठेकेदार, आपने ठेकेदार रखा है तो आप जी ठेकेदार को कह देंगे जो घर बनते हैं, मतलब आप बनवाते हैं, तो ये चंगा सरिया पाई। आई थिंक दैट्स द टोटैलिटी ऑफ द थिंग यूजर वुड नॉर्मली से, वो कहेगा कि जी मैं केड़ा, मैं एंज कर देगा, उंज कर देगा, जी वो जो भी आपको बात करेगा, अगर ऑनेस्ट है तो वो सही लगा देगा, अगर नहीं है तो वो वीक आपके लिए स्ट्रक्चर क्रिएट कर देगा। मैं आपको बताऊं कि वो ये भी नहीं कहा जाता ठेकेदार को कि चंगा सरिया लाए, उसको कहा जाता है सस्ता लाए, बिकॉज़ लोगों के जहन में यही है कि यार ये एक नेसेसरी इवल है जो लगाना है, जितना सस्ता हो जाए। काम चलाओ। सो हमने यही बताने की कोशिश की है कि आपके कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट में सरिये का रोल उसकी इट्स कॉस्ट से फाउंडेशन फॉर, डिस्प्रोपोर्शनेटली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक अच्छे सरिये और एक सस्ते सरिये में कॉस्ट का इतना फ़र्क नहीं है जितना उसकी परफॉर्मेंस का, और जो एक सस्ता सरिया आपके स्ट्रक्चर को रिस्क पे ले आता है वो फ़र्क बहुत ज़्यादा है। तो आपका एक वो चीज़ हमने इसमें हाईलाइट करने की और लोगों को बताने की कोशिश की थी, यार थोड़ा सा महंगा लगा लें लेकिन उससे आपके ओवरऑल आपकी लाइफ सिक्योर हो जाती है, आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाता है, आपके उस स्ट्रक्चर का, आपकी फैमिली का। नहीं, दैट्स फेयर, दैट्स फेयर। अच्छा, इसमें अभी हमारी एक, वैसे भी यू हैव बीन माय फ्रेंड एंड माय क्लाइंट फॉर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम, गालिबन जब से, मतलब कॉलेज ही के ज़माने में, बिकॉज वेबसाइट के भी तो अगर आपको याद हो तो वेबसाइट जी भी जब मैं बेचा करता था तो आपने जी हमारी यू अज़ीज़ इंडस्ट्रीज़ की वेबसाइट जब से बनी है वो आपके पास ही होस्ट हैं। है, और आई थिंक ये वही 2004 फोर के हाँ राउंड हाँ अबाउट की बात है। बिल्कुल। और उसके बाद भी हम फिर बीच में हमने अपने वही इंक्यूबेशन हुई लम्स के अंदर ही, वो जो नेशनल, अब वो बन गया एनआईसी बन गया मेरा, है एनआईसी, ना, नेशनल एनआईसी जी इंक्यूबेशन सेंटर बन गया। हमने एक बिजनेस आइडिया था जो क्या वहाँ पे अप्रूव इंक्यूबेट हो गया था, लेकिन वो फिर जिस तरह बिजनेस आइडियाज़ होते हैं जो करते हैं उनको पता चल जाता है कि क्या औकात होती है आइडिया की जब तक एग्जीक्यूट ना हो। उसके बाद अब हम, अच्छा, आई वॉज ऑल्सो ब्लेस्ड एंड ऑनर्ड टू एक्चुअली ट्रेन योर टीम, योर सेल्स टीम, कोच देम एंड ट्रेन देम ऑन, और शेयर रैदर वो सेल्स की मेथडोलॉजीज और स्ट्रैटेजीज जो कि एक बी टू बी के सेल्स के लिए रेलिवेंट होती हैं। तो उनसे तो मैं वैसे फीडबैक लिया भी था और ऑन एंड ऑफ उसके बाद भी चलता रहा है। आपके ख्याल में वो जो एजुकेशन इटसेल्फ है और जो एक स्पेसिफिक लोकलाइज्ड हमने ट्रेनिंग उनके साथ शेयर की और उनको जो किया, उसका एक जेनेरिक स्कोप के लिहाज से क्या ज़रूरत है भी इन इस तरह की चीज़ों की, अपने आप को और अपनी टीम को और अपने बिजनेस को अपग्रेडेड रखने की, कोई फ़ायदा डायरेक्ट नज़र आता है, लॉन्ग टर्म होता है क्या, हाउ डू यू मैप दैट, और स्पेसिफिकली जो हमने सेल्स के लिए जो मटेरियल बना के इनके साथ शेयर किया, वो जो 554 था और वो क्लोज़र था और वो जो सारा था, उसकी भी अफादियत या उसका नेट इफेक्ट आपको ओवरऑल अभी कैसा लग रहा है, मतलब बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ आप बताएं, अगर आपने बदतरीफें की तो एडिट हो जाएगा, अगर थोड़ी बहुत तारीफ होगी तो वो अंदर लगा रह जाएगा, जोक्स असाइड, मतलब हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस नाउ। आई थिंक उस बात को भी, इस दो दो को एंगेजमेंट महीने को, गुजर गए दो हैं। महीने रफली हो चुके हैं। देखिए मैं पहले एक जेनेरिक सेंस में बात करता हूँ। इफ़ आई ड्रॉ ऑन माई एक्सपीरियंस ऑफ द लास्ट 15-20 ईयर्स, स्टार्टिंग फ्रॉम माई एजुकेशन इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस आपको पता है कि आपको हर प्रॉब्लम को एनालिटिकल तरीके से उसको ब्रेक डाउन करके, छोटे पीसेज में ब्रेक डाउन करके और फिर उसको रीबिल्ड करना सिखाता है।
उसके बाद MBA में भी जो एक वे ऑफ टीचिंग है लम्स में, वो भी आपको बहुत एनालिटिकल और आपको टूल्स यूज़ करना सिखाता है कि यार अपनी प्रॉब्लम को किसी रेलेवेंट टूल से उस पर मैप करके हल करें, एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ। आगे प्रोफेशनल लाइफ में भी यही देखा, और आपसे ये टीम की कोचिंग करवाने का भी मकसद यही था दैट आई फाउंड दैट नॉर्मल लाइफ में हम लोग जब बहुत डे टू डे अपने एक सब्जेक्टिव एनालिसिस के साथ अपने सोसाइटी के अंदर और एक तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम ठीक तरीके से अपने जहन में फ्रेम नहीं कर पाते अपने और फिर उसको हल नहीं कर पाते। स्ट्रक्चर्स एंड टूल्स हेल्प यू डिफाइन दैट प्रॉब्लम इन अ वे दैट यू कैन सॉल्व इट मोर एफिशिएंटली। स्ट्रक्चर्स एंड टूल्स हेल्प यू फॉर्म रूटीन्स और रूटीन्स जो है वही डे टू डे बिल्ड होके रिजल्ट क्रिएट करते हैं। ये चीज स्पेशली ये रूटीन वाली और टूल्स वाली हम लोग ओवरलुक करते हैं स्पेशली प्रोफेशनल वर्ल्ड में आते हैं कि हाँ यार हमने पढ़ लिया हमने सीख लिया हमारा एक्सपीरियंस है लेकिन डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर के बगैर आपके रिजल्ट सब ऑप्टिमल। सो इस वजह से मैंने चाहा था कि मेरी टीम जो है दोबारा से इन टूल्स से अपने आप को फेबलाइज करें बिकॉज डे टू डे में आप ये चीजें भूल जाते हैं आपको तो रिफ्रेशर चाहिए होते हैं ताकि आप कोई भी टूल्स हो अपने रूटीन को सेट करने के लिए अपने दिल को सेट करने के लिए अपनी प्रॉब्लम सॉल्वर को सेट करने के लिए जब आप कोई भी टूल्स यूज करते हैं उसमें आप अपने आप को फोर्स करते हैं एक सर्टेन डिसिप्लिन पे और उससे इवेंचुअली रिजल्ट आते हैं। सो जेनरिक टर्म्स में तो मैं कहूंगा कि हम सबको ये जरूरत है कि हम कोई ना कोई टूल्स चाहे वो टूल सिर्फ ये है कि आपने डायरी का एक सफा रोजाना का लिखा है कि आज यार मेरे ये टू टू थिंग्स हैं दिन के एंड पे जो हो गई उन पे काटा लगाएं अगले दिन का सफे पे अगले दिन की डेट आके जो चीजें रह गई हैं वो शुरू करें ताकि अगले दिन सुबह जब हम 9 बजे आके उसको खोलें तो आपको पता हो ये 4 काम मैंने करने हैं। अभी देखिए मंजूर भाई ने आपको ये बात की और यही टूल है मतलब बिल्कुल टूल्स हम समझते हैं कि जैसे पता नहीं कोई सॉफ्टवेयर होगा या कोई पता नहीं कोई मैकेनिकल चीज होगी या कोई बाहर से एक्सटर्नल चीज होगी, इट्स जस्ट हाउ यू यूज इट और उसको कैसे इस्तेमाल करें। तो ये आपने बेसिकली मुझे 3 मीटिंग्स हम अपने और वीडियो में मैंने बात की है उन 3 में से 2 मीटिंग्स उन्होंने यहाँ बैठे बैठे खुद ही बता दी है क्योंकि दे आर इफेक्टिव दे वर्क यही टूल्स हैं ये तरीके हैं जो चलते वन ऑल्टरनेटिवली नॉर्मली क्या होता है अच्छा हाँ यार 4 काम रहेंगे तो सुबह करूंगा मुझे याद रहेंगे। हाँ अगले दिन सुबह के आप ऐसे बिजी होते हैं कि शाम को 4:30 बजे याद होता है फलाना काम करना था बड़ा दिन खत्म हो गया। सो दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ द होल बिल्कुल तो जैसे आपने 5x4 वाली बात की दैट इज जस्ट अ वे ऑफ फोर्सिंग यू यार आपने पुराने लोगों को भी टच करना है अपने नए लोगों को भी टच करना है वरना कई बार बंदा सोचता है अच्छा यार उसको करूं या ना करूं फोन पुराने में करना नहीं था कहीं करना था भूल भी जाते हैं नाम भूल जाते हैं लेकिन अगर आप अपने आपको फोर्स करते हैं कि नहीं मैंने आज 5 पुराने लोगों को टच करना है तो अगर आप कहीं से ढूंढेंगे कहीं से वो पुरानी अपनी फोन डायरी निकालेंगे कुछ निकालेंगे आप अपने कॉन्टेक्ट से छू जाएंगे अच्छा किसको मैंने बड़े अच्छे से कॉल किया मैंने 5 बंदे आज हिट करने हैं। सो ये जो मैनेजमेंट टूल्स होते हैं किताबी बातें कई दफा लोगों को समझते हैं लेकिन इनकी वैल्यू उनकी वैल्यू यही है कि वो आपके थॉट प्रोसेस को आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग को और आपके अप्रोच टूवर्ड्स वर्क को वो एक स्ट्रक्चर में लेके आते हैं और वो स्ट्रक्चर आपको रिजल्ट्स देता है। जैसे आपने अच्छा क्रिकेटर बनना है तो नेट प्रैक्टिस जरूरी नेट प्रैक्टिस यही है कि आप दिन में फिर 300 बॉलों को खेले और उससे आपके नहीं किताबी बात उसी वक्त किताबी बात को ताने के तौर पे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आप उसको अगर किताब में रहने देंगे तो वो तो फिर सबसे फजूल बात रहेगी क्योंकि आप उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करेंगे तो वो किताब को भी तो पहले इम्प्लीमेंट भी करना और उसका स्ट्रक्चर उसका फ्रेमवर्क मैं समझता हूँ कि ये किताबी बात का ताना जो है ना ये सिर्फ इस वजह से आता है क्योंकि लोग जब किसी किताबी बात को या इस तरह के किसी टूल को देखते हैं तो वो बड़ी शॉर्ट टर्म थिंकिंग लेके देखते हैं कि अच्छा इससे आज तो कुछ नहीं हासिल होगा ये तो सिर्फ 5 मिनट काम बढ़ा ये तो किताबी बात लेकिन वही किताबी बातें जब आप करते रहते हैं तो वो इवेंचुअली रिजल्ट्स में ट्रांसलेट होनी शुरू हो जाती है। तो आई थिंक दिस अगेन गोज बैक टू जो हमारा इस
पूरे ये जो हम एक वीडियो सेशन भी कर रहे हैं और जो हम ये फाउंडेशन फॉर द फ्यूचर के हवाले से भी बात कर रहे थे कि यही जो टूल्स होते हैं, यही जो आपकी रेपिटेशन होती है, यही जो अपने आपको एक डिसिप्लिन में फोर्स करते हैं, ये आपके फाउंडेशन होते हैं, आपके सक्सेस के फाउंडेशन होते हैं। सक्सेस एक दिन काम करने से नहीं आ जाता। क्या एक दिन आपको वो अपॉर्चुनिटी मिली और आपने वो ग्रैब कर ली? उस अपॉर्चुनिटी तक पहुंचने के लिए पहले बहुत सारा जो है पीछे आपको अपनी अच्छी हैबिट्स बनानी पड़ती। और नहीं वो बल्कि वीडियो सीरीज की भी जो बात कर रहे हैं, अब मैंने आपको दूसरी वीडियो में अनाउंसमेंट छोटी सी कर भी दी थी बल्कि कि अजीज टीम हैज स्पॉन्सर्ड माशाल्लाह से अ सीरीज ऑफ वीडियोस जिसमें हम, क्योंकि आपको शायद पता हो कि इन्होंने फाउंडेशन फॉर द फ्यूचर की बात की है, मैं फंडामेंटल्स की बात करता हूँ, विच आर उस लिहाज से सिमिलर के फंडामेंटल्स और फाउंडेशन दोनों चीजें ऐसी होती हैं जो कि नजर नहीं आती क्योंकि वो अंदर छुपी हुई होती हैं, और वो दोनों ऐसी चीजें होती हैं जिनके बगैर जो स्ट्रक्चर है वो चल नहीं सकता, तो उसको फिर उसके लिए रिमाइंडर चाहिए होते हैं। और वो जो वीडियोस भी जो आ रही हैं वो भी हाउ टू अनलॉक योर बेस्ट सेल्फ के लिहाज से है, साउंड्स कॉर्नी लेकिन मकसद ये है कि भाई खुदा करे तुझे तेरे मकाम से ज्यादा उस तरफ जाना, उस तरह आमीन कहनी है, तो उसके लिए जो टूल्स और वो फ्रेमवर्क्स क्या है विच आर प्रूवन टू वर्क, उसका ही थैंक्स टू योर मतलब कह लो सपोर्ट, ये जो कॉन्टेंट है जो कि पहले मतलब हाई पेइंग क्लाइंट्स और सी लेवल क्लाइंट्स और ग्रुप्स के स्तर महदूद रखना पड़ रहा था, वो अब इट विल हैव माशाल्लाह अ वाइडर रीच, एंड उम्मीद यही है कि वो जो लोग एट द एंड ऑफ द डे द स्टूडेंट हैज टू डिसाइड कि उसने क्या करना है, मतलब द स्टूडेंट इज रेडी द टीचर अपीयर्स, टीचर के हाथ में ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन हमने कंटेंट तो उसको डाल देना है इंशाल्लाह, और जो देखने वाला उससे जब फायदा उठाने की कोशिश करेगा जिस तरह और भी कंटेंट से किया है, तो वो इंशाल्लाह वो आपके ही तवसत से योर पेट्रोनेज जो है इंशाल्लाह वो और इम्पैक्ट क्रिएट करेगी फॉर हेल्पिंग पीपल बिल्ड देयर फंडामेंटल्स एंड देयर फाउंडेशन जो कि सरिये से गैर मुतल्लिक है इन आवर केस, लेकिन अगेन दैट इज द सेम कोर, तो उसमें जो वो क्या है तो आप MBA कर ले तो आपको पता होता है वो जो सिनर्जी कहते हैं ग्राफ्स होता है सिनर्जी यू कहता था, वो जो सिनर्जी होती है वो इसके अंदर बड़ी है कि जो मैं भी करना चाह रहा हूँ बेसिकली यही है कि यार मतलब आप गो बैक टू द फंडामेंटल्स, गो बैक टू व्हाट वर्क्स, और व्हिच हैज बीन प्रूव्ड, और फाउंडेशन भी सिमिलर एक मोशन है कि आप अपना बेस तगड़ा कर लो, सरिये चंगे पा लो, काम चल जाए। तो यार इसमें इसमें पार्टिंग नोट कोई एक अगर आप एक तो हाउ डू पीपल कॉन्टेक्ट यू स्पेसिफिकली एंड ऑल्सो योर कंपनी की अगर उन्होंने सर यह एज अ प्रोडक्ट बेस्ड एंगल से या और कोई अगर कोई लर्निंग के एंगल से भी किसी ने कोई बात करनी वहां पर मतलब गुड वे टू कॉन्टेक्ट यू एंड योर टीम एंड योर दिस कंपनी, और नेक्स्ट टाइम हम कब बैठे कब लगा रहे हैं, ये दोनों चीजें बोलते हैं। तीन चीजें मैं दो पूछ, मैंने पहले पूछा कि आप मुझे कैसे बताए कॉन्टेक्ट डिटेल्स, दैट्स वन बुक सकते हैं फ्रॉम अ प्रोडक्ट एंगल, और मुझे ज्यादा तौर पर रीच आउट करना है तो लिंक्डइन पे मुझे रीच आउट कर सकते हैं, मंसूर अजीज अहमद का नाम है, मुझे वहां से रीच आउट कर सकते हैं। अगली दफा हम कब बैठ रहे हैं? जब आपके जब कॉफी है, कॉफी वाला हमारा अभी अभी वो पानी पानी वगैरह कर रहे हैं, ठीक है ना, चलो कॉफी भी डाल लेंगे। कॉफी हमारी अगेन एक और चीज है जो कि हम बहुत उसके हमने शोगल शेयर किए हैं, आइस ब्रूड कॉफी, मुझे नहीं पता था कि स्पीक करती है सी, अभी भी नहीं मुझे पता, कोल्ड ब्रूड कॉफी भी जो अगर मैंने पहली दफा पी थी तो इन सामने नेक्स्ट टाइम आई होप इट विल बी नॉट द कोल्ड ब्रू वन, मुझे इतनी चाहिए लगी इट विल बी द एस्प्रेसो वन, फिर हम कब भी चल रहा है। थैंक यू मंसूर भाई फॉर योर टाइम। थैंक यू।